नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 2023 जब नया साल आरंभ होगा तो मंगल के स्वामित्व वाले मेष राशि को किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेगा, आने वाला 2023 उनको खुशियां देगा या उनको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और क्या होगा इस वर्ष का खास उपाय, इसकी भी बात वीडियो में करेंगे। तो काफी चुनौतियों के साथ इनका वर्ष आरंभ होगा। अब इनके लग्न में राहु की पोजीशन होगी और सप्तम भाव में केतु की पोजीशन। मंगल की बात करें तो केवल वो दूसरे भाव में है इनके, अन्यथा सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में ही बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी चुनौती का इंडिकेशन दे रहे हैं। चुनौतियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, वो आपके फेवर में भी हो सकती हैं और आपके अनफेवर में। अब फेवर में कैसे होंगी इसकी बात कर लेते हैं पहले, कि यदि देखें तो मानसिक सुख और शांति यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन यदि देखें तो भौतिक सुख की कामना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कामना आपकी जरूर पूरे होते हुए दिखाई देती है। शनि की बात करें तो जनवरी के महीने में ही वो अपना 10वां घर छोड़ेंगे और 11वें घर में प्रवेश करेंगे, तो आपकी बहुत सी मन वांछित इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी करने के लिए शनि देव का 11वें घर में प्रवेश हो रहा है। आपके लाभ भाव में शनि देव जब बैठेंगे तो आपके किए हुए कामों से आपको लाभ देने की पूरी क्षमता रखते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली में शनि और चंद्र की युति है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वाहन और घर का सुख प्राप्त करने का आपका ये सुनहरा अवसर मिलने वाला है। नई उम्मीदों के साथ ये वर्ष आरंभ होगा और आने वाला जो समय है वो आपको नए नए अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करेगा। उन अवसरों का आप लाभ ले सकते हैं। 2023 में ही गुरु का मेष राशि पर जब गोचर होगा तो वो नौकरी और एजुकेशन के क्षेत्र में आपको काफी हद तक सफल बनाने की क्षमता आपको प्रदान करने वाले हैं। जो लोग विदेश जाने की बहुत दिनों से कामना कर रहे थे तो यहाँ पर उनकी ये इच्छा भी इस वर्ष जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि विद्यार्थी हों या नौकरी करने वाले, यदि विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से समय तलाश रहे थे तो इस वर्ष 2023 में ये अवसर आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। महिलाओं के लिए काफ़ी मिला जुला सा ही ये समय जाने वाला है, क्योंकि यदि देखें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए नहीं निकल करके आता है, लेकिन जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकल करके आती है। चाहे नौकरी करते हों या व्यापार करते हों, दोनों के लिए ही नए अवसर प्रदान करने की क्षमता इस 2023 में ज़रूर दिखाई देती है। यदि न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से भी देखें तो 2023 का जो टोटल है वो 7 नंबर आता है और 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में एक लक का नंबर होता है, एक मीडिएटर का नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबरों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। अब यदि 7 नंबर को और अच्छे से समझें तो पहले के सामने सदैव 7वां नंबर ही होता है, तो इसलिए ये पूर्ति करने का नंबर भी मेष राशि वालों के लिए होता है, क्योंकि मेष राशि का यदि नंबर देखें कुंडली में तो 1 नंबर होता है और उसके ठीक सामने उनका 7वां घर जहां 7 नंबर होता है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नंबर रखता है। अब यदि विवाह सुख से बहुत दिनों से वंचित थे तो अभी आपको 2023 की शुरुआत में थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत अधिक दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ महीनों के बाद आपकी ये इच्छा पूरे होते हुए ज़रूर दिखाई देगी। थोड़ी सी आपको मेहनत अलग से करनी पड़ सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाएं, अन्यथा आपकी जो स्थिति है वो आपके पूरे तभी फेवर में आएगी जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा सभी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, उनकी कुंडली चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, लेकिन वर्तमान समय में जब 2023 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2023 में आपके लगन में ही राहु की स्थिति होगी, यूरेनस की स्थिति होगी और चंद्र की स्थिति होगी, तो ये तीन ग्रहों की युति यहाँ पर आपके लगन में होने की वजह से आपको काफ़ी हद तक ये तीनों ग्रह प्रभावित करेंगे। इसलिए यदि किसी भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर दी है तो उसे
पूरा करके ही आपको रुकना है, इंतजार करना है, ठहरना है या फिर रिलैक्स करना है। अन्यथा कार्य को पूरा खत्म किए बिना यदि आप किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को ठहराव की स्थिति में लाते हैं तो आने वाला जो समय है वो आपको नए और चैलेंजेस दे देगा। यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए विपरीत भी हो सकती है, क्योंकि चैलेंजेस को स्वीकार करना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन चैलेंजेस को पूरा करने की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेष राशि में ही चंद्र की स्थिति होने की वजह से जब 2023 का आरंभ होगा तो आपका थोड़ा सा मूड स्विंग की भी स्थिति जरूर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है। सूर्य की पोजिशन आपके नवम भाव में होगी, ये अत्यंत उचित स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और मरकरी के साथ, मरकरी हालांकि रेट्रो रहेंगे लेकिन जब ये फॉरवर्ड की पोजीशन में आएंगे तो आपकी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी आपकी मन वांछित इच्छाएं हैं वो जरूर पूरे करेंगे सूर्य और बुध ग्रह की ये युति। सभी स्थितियां आपके लिए अच्छी जरूर हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य की स्थिति जब उसकी बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अपनी किसी भी बात को आए गए पर मत छोड़ना, अन्यथा आपको दिक्कत जरूर उठानी पड़ेगी। यदि स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करेंगे या जरा सी भी चूक करेंगे तो आपका जो हेल्थ है वहाँ पर प्रॉब्लम जरूर दिखाई देती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई समस्या हो खासतौर से ब्लड से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बहुत अधिक मसालेदार भोजन और व्यसन इनसे आपको बचना है, अन्यथा आपका जो पारिवारिक संबंध है वो भी खराब हो सकता है और आपके उग्र स्वभाव को किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको समाज में भी मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। ये ऐसी स्थिति इस 2023 में बनते हुए दिखाई दे रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है तो आपको सीधे हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मैं प्रत्येक मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 में एक बजरंग बाण का एक उपाय बताता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें, और यदि हो सके तो जिनके भी लग्न कमजोर है या फिर मेष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। उससे आपके लग्न का जो प्रभाव है वो दुनिया पर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो इसलिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आने वाले समय में आप खुश रहें, नया वर्ष आपके लिए शुभ हो इसकी कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नए टॉपिक की। तब तक के लिए नमस्कार।